For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर, साथ ही साथ दर्शकों के दिलों में बेहद ही खास जगह बना चुका ये शो। यह मोहब्बतें से जुड़ी सबसे पहली खबर हम आप सभी फैंस के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, जहाँ आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ आप देखेंगे शो के आगे आने वाले एपिसोड में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं शो के पिछले एपिसोड की, जहाँ आप सभी ने शो के पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे रूही भी अपने एम्प्लॉयज पे काफी ज्यादा गुस्सा होती भी नजर आती है, जिसके बाद रूही के एम्प्लॉयज भी कर देते हैं रूही के कमरे में बंद। लेकिन उसी वक्त होती है आदि की एंट्री और आदि बचा लेता है अपनी बहन को। तो वहीं दूसरी तरफ इशिता भी चली जाती है रमन से दूर और साथ ही साथ शगुन के घर में रहना शुरू कर देती है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से आप सभी को आदि और रमन के बीच बॉन्डिंग देखने को मिली होगी, जहां इस बार आदि रमन को समझाता हुआ नजर आता है, जिसके बाद रमन को भी होता है अपने किए पर पछतावा और वो भी पहुंच जाता है शगुन के घर, जिसके बाद आप सभी को इशिता और रमन का रोमांस भी देखने को मिला होगा। जी हाँ, जहाँ फाइनली रमन ये कन्फेस कर देता है कि उसकी गलती है और साथ ही साथ इशिता से मांगता है माफी, जिसके बाद आपको बता दें इशिता भी ये सब कुछ सुनकर खुश हो जाती है। तो वहीं इस सीरियल के आज के एपिसोड में आप सभी को शन्नो की एंट्री भल्ला हाउस में देखने को मिलेगी। जी हाँ, जहाँ आपको बता दें कि शन्नो एक काम ढूंढते ढूंढते भल्ला हाउस पहुंच जाएगी और शन्नो की एंट्री कोई और नहीं बल्कि शगुनी करवाती हुई नजर आएगी, जिसके बाद आपको बता दें कि अब नौकरानी बनकर इशिता रखेगी रमन का ख्याल। फिलहाल क्या होगा सीरियल की कहानी के अंदर आगे, इस बात की पूरी जानकारी हम आप सभी फैंस तक पहुंचाते ही रहेंगे। तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस के ओल्ड एंड गोल्ड शो यह मोहब्बतें से एक बहुत ही बड़ी खबर हम आपसे फैंस के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, जहाँ आपको बता दें कि एक बार फिर से आप सभी को माँ और बेटे के बीच में तकरार देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूही और इशिता की। विलेस, अब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कैसे आगे आने वाले टाइम में रूही देने वाली है रमन को वो ड्रग्स, जिसके बाद एक बार फिर से रूही ये सब कुछ सिमी के कहने पर करती हुई नजर आएगी, जहाँ रूही के सच को छुपाने के लिए उसे जाने अनजाने में सब कुछ करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि अब इशिता की भी बहुत ही जल्द होने वाली है भल्ला हाउस में शन्नो बनकर एंट्री, जहाँ इस शो के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कैसे शगुन शन्नो को लेकर पहुंच जाएगी भल्ला हाउस, जिसके बाद शन्नो भी भल्ला हाउस का काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बता दें कि कैसे शन्नो देख लेगी रूही दे रही होगी रमन को कुछ ड्रग्स, जिसके बाद शन्नो लगाने वाली है रूही का एक जोरदार तमाचा और इसी तरह से शुरू हो जाएगी एक बार फिर से माँ और बेटी के बीच में तकरार, जहाँ रूही बन जाएगी इशिता की सबसे बड़ी दुश्मन और एक के बाद एक इशिता के अपने हो जाएंगे उसके खिलाफ। मतलब आगे क्या होगा शो की कहानी में, इस बात की पूरी जानकारी हम आप सभी फैंस तक पहुँचाते ही रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस के पॉपुलर शो यह मोहब्बतें से एक ऐसी तड़कती भड़कती खबर आ रही है। विलेस, हमारी हेडलाइन पढ़कर तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं शन्नो हमारा मतलब है इशिता की, जहां भी ये तो हम आपको जानकारी पहले दे चुके हैं कि कैसे अब बहुत जल्द इशिता बनने वाली है शन्नो और शन्नो की एंट्री भल्ला हाउस में कोई और नहीं बल्कि शगुनी करवाती भी नजर आएगी। तो वहीं भल्ला हाउस में शन्नो बनकर इशिता रख पाएगी सिमी और परम पर नजर और वो रमन पर आने वाली हर मुसीबत का करेगी डटकर सामना। लेकिन इस सबके बीच में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसके बाद इशिता भी ये सब कुछ देखकर चौंक जाएगी। विलेस, जहाँ हमारे कुछ खास सोर्सेस जहाँ एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो बहुत जल्द इशिता के हाथ कुछ ऐसे राज लगने वाले हैं जितने सालों से रमन समेत सभी परिवार वालों से अनजान थे। और आपको जानकारी दे दे कि वो राज जुड़े होंगे रमन के पापा से, जहाँ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि रमन के पापा कर रहे होंगे ढोंग और एक बहुत ही बड़े सच को छिपा भी रहे होंगे। विलप क्या होगा वो सच, इस बात की पूरी जानकारी हम आप सभी तक पहुँचाते ही रहेंगे। तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.
For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. ये है मोहब्बत की कहानी में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। जी हाँ, अब शो के कल के एपिसोड को देख लीजिए, कैसे रमन से मिलने के लिए मर रही होती है इशिता, लेकिन जब रमन आता है उससे मिलने तो वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती रमन को और काफी ज्यादा परेशान नजर आती है, जिसके बाद एक बार फिर से इशिता और रमन के फैंस वो सब देख कर सैड हो जाते हैं। तो वहीं आपने ये भी देखा कि कैसे इशिता की बेटी भी परेशान नजर आती है और सारे ऑफिस वालों को सुना देती है। अब आपको बता दें कि शो के आने वाले एपिसोड्स होने वाले हैं और भी ज्यादा धमाकेदार, जिसमें पहले तो इशिता पहुंच जाएगी अपने असली घर में रहने, यानी कि भल्ला हाउस में, जिसके बाद शुरू होगी सिमी और परम की बर्बादी। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो शो में आप जल्दी देखने वाले हैं कि खत्म होगा सिमी और परम का ड्रामा। तो वहीं खबर तो ये भी है कि इशिता अपने प्लान में हो जाएगी कामयाब, जिसके बाद अब शो में देखना होने वाला है काफी मजेदार कि आखिर कैसे होने वाला है ये सब और क्या रमन को पता चल पाएगा पूरा सच, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मैं शो में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट ये है मोहब्बत से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. टॉपलेस के मोस्ट पॉपुलर शो और साथ ही टीआरपी में नंबर 4 की जगह हासिल कर चुका यह मोहब्बतें जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपसे फैंस के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, जहाँ आज हमारी स्टोरी में बात करने वाले हैं पीहू और सिमी की। वेल, अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि सिमी ने इतने सालों से पीहू को काफी डरा कर रखा हुआ था और पीहू इसी वजह से डिप्रेशन में भी चली गई थी। लेकिन आपको बता दें कि अब बहुत जल्द पीहू देने वाले एक बहुत ही बड़े जुर्म को अंजाम। जी हाँ, जहाँ हमारे कुछ खास सोर्सेज और साथ ही साथ एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो सिमी के सामने आने वाला है 2 साल पहले का सच, वही सच जिस सच से अभी तक सिमी अनजान है। आपको जानकारी दे दें कि सिमी को ये पता चलने वाला है कि इशिता नहीं बल्कि पीहू ही वो शख्स है जिसने किया था उसकी बेटी यानी कि अनन्या का कत्ल, जिसके बाद आपको बता दें कि सिमी कर सकती है पीहू का कत्ल। लेकिन उसी वक्त आपको बता दें कि सिमी नहीं बल्कि पीहू ही वो शख्स होगी जो करेगी सिमी का इस कहानी से दी एंड। और एक बार फिर से आप सभी को YHM की नई कहानी देखने को मिलेगी, जहां हमारे कुछ खास सोर्सेज की माने तो सिमी के अंत के बाद एक बार फिर से सीरियल का नया ट्रैक आप सभी दर्शकों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि सीरियल के मेकर्स की माने तो सिमी का ये ट्रैक दर्शकों को काफी बोर भी कर रहा है, इसलिए मेकर्स ने करा है फैसला कि वो जल्द से जल्द ट्रैक चेंज कर देंगे। मतलब क्या होगा शो के अंदर, इस बात की पूरी जानकारी हम आप सभी फैंस तक पहुंचाते ही रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर साथ ही साथ दर्शकों के दिलों में बेहद खास जगह बना चुका ये शो। ये हम मोहब्बत से जुड़ी सबसे पहली खबर हम आप सभी फैंस के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, जहाँ आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ आप देखेंगे शो के आने वाले एपिसोड में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं शो के पिछले एपिसोड की, जहाँ आप सभी ने शो के पिछले एपिसोड में देखा कैसे रूही भी अपने एम्प्लॉयज पे काफी ज्यादा गुस्सा होती भी नजर आती है, जिसके बाद रूही के एम्प्लॉयज भी कर देते हैं रूही के कमरे में बंद। लेकिन उसी वक्त होती है आदि की एंट्री और आदि बचा लेता है अपनी बहन को। तो वहीं दूसरी तरफ इशिता भी चली जाती है रमन से दूर और साथ ही साथ शगुन के घर में रहना शुरू कर देती है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से आप सभी को आदि और रमन के बीच बॉन्डिंग देखने को मिली होगी, जहां इस बार आदि रमन को समझाता हुआ नजर आता है, जिसके बाद रमन को भी होता है अपने किए पर पछतावा और वो भी पहुंच जाता है शगुन के घर, जिसके बाद आप सभी को इशिता और रमन का रोमांस भी देखने को मिला होगा। जी हाँ, जहाँ फाइनली रमन ये कन्फेस कर देता है कि उसकी गलती है और साथ ही साथ इशिता से मांगता है माफी, जिसके बाद आपको बता दें कि इशिता भी ये सब कुछ सुनकर खुश हो जाती है। तो वहीं इस सीरियल के आज के एपिसोड में आप सभी को शन्नो के एंट्री भल्ला हाउस में देखने को मिलेगी। जी हाँ, जहाँ आपको बता दें कि शन्नो एक काम ढूंढते ढूंढते भल्ला हाउस पहुंच जाएगी और शन्नो की एंट्री कोई और नहीं बल्कि शगुनी करवाती हुई नजर आएगी, जिसके बाद आपको बता दें कि अब नौकरानी बनकर इशिता रखेगी रमन का ख्याल। मतलब क्या होगा सीरियल की कहानी के अंदर आगे, इस बात की पूरी जानकारी हम आप सभी फैंस तक पहुंचाते ही रहेंगे। तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू।
टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।